हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। सो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे हमारा पहला प्रोग्राम जिसमें हम प्रिंट करवाएंगे हेलो। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हम हमारे प्रोग्राम में क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, हमारा प्रोग्राम रन कैसे करता है, ये सब कुछ। तो अब हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो है हमारी हेडर फाइल। ठीक है, जो हेडर फाइल्स होते हैं उसमें जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसका जो वर्क है वो डिफाइन होता है। अब सबसे पहले हमने लाइन यूज़ किया हैश टैग इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पर जो ये लाइन है वो बोलते हैं कि कंपाइलर को बताती है कि हमें एक फ़ाइल चाहिए जिसका नाम है stdio.h। तो यहाँ से हमें वो फाइल मिल जाती है। सो हेडर फाइल के बाद हम यूज़ करते हैं इंट मेन। अब यहाँ पर मेन क्या है, जो मेन है वो यहाँ पर फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम फर्दर हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमारा मेन क्या है, एक फंक्शन है। जो फंक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी लेंथी होता था, हम उसको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो वो पार्ट्स होते हैं वो फंक्शन होते हैं। जैसे हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चारों चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो हम वहाँ क्या करेंगे, इन चारों का अलग अलग फंक्शन बना देंगे। एडिशन का एक फंक्शन, सब्ट्रैक्शन का एक, मल्टीप्लिकेशन का एक, डिवीज़न का एक। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। सो ये जो सारे फंक्शंस है वो हमारे मेन फंक्शंस के अंदर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा जो मेन के साथ ये इंट, इंट क्या है, तो जो इंट है वो क्या है, जैसे हमारा जो मेन है वो फंक्शंस को कॉल करेगा। अब जो इसके अंदर जो फंक्शंस होंगे वो क्या करेंगे, एक रिटर्न वैल्यू, एक वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो जो वो वैल्यू रिटर्न करेंगे वो हमारे मेन फंक्शन को रिटर्न करेंगे। देन जो हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इंट का यूज़ किया। यहाँ पर जो हमने लेफ़्ट और राइट पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं मेन के आगे, वो बताता है कि यहाँ से हमारा जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। अब आगे हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंट एफ। अब ये प्रिंट एफ है क्या, हम यहाँ पर यूज़ क्यों कर रहे हैं, जो प्रिंट एफ का यूज़ है वो है कि हमें जो डिज़ायर आउटपुट चाहिए वो हमारे कंसोल पर प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट एफ का यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट एफ एक फंक्शन है। ठीक है, जो हमने सबसे फर्स्ट लाइन में हमने हेडर फाइल का जो यूज़ किया उसके अंदर प्रिंट एफ का जो वर्क है वो वहाँ पर डिफाइन है। तो यहाँ पर इसलिए हमने stdio.h हेडर फाइल का यूज़ किया। आगे अब हमें इसको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर प्रिंट एफ का यूज़ करके अब हमें प्रिंट क्या करवाना है, हेलो। तो यहाँ पर हम प्रिंट एफ के ब्रैकेट्स में लिखेंगे हेलो, और यहाँ पर जो हेलो वर्ड है वो एक स्ट्रिंग है। तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसको हम एनक्लोज करते हैं विद इन डबल कोटेशन मार्क। उसके बाद हम यूज़ करते हैं सेमी कोलन का। अब यहाँ पर सेमी कोलन का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे हमारी एक स्टेटमेंट होगी प्रिंट एफ हेलो, तो हमने यहाँ पर हेलो प्रिंट कराने के लिए पूरी स्टेटमेंट है उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। सेमी कोलन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो एक ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो अगर हम सेमी कोलन का यूज़ नहीं करते तो यहाँ पर एरर शो करता है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो का यूज़ हमने इस यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि अब हाँ कोई भी फंक्शन है वो एक वैल्यू तो रिटर्न करेगी ही ना। तो यहाँ पर अगर हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही चल रहा है तो वो यहाँ पर रिटर्न क्या कर देगी, ज़ीरो। अब ज़ीरो क्या है, एक इंटीजर है ना, इसलिए हमने मेन के साथ क्या यूज़ किया, इंटीजर। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो क्या कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़ीरो रिटर्न कर देगा एंड यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है सही से वर्क कर जाएगा। तो अब हम हमारे प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर सेव करने के लिए हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे, यहाँ पर सेव हैज़ को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने फर्स्ट में फ़ाइल नेम का नाम दे दिया, हमने यहाँ पर फाइल नेम दे दिया हेलो।
नेक्स्ट हमने सेव एज टाइप, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सी की फाइल बना रहे हैं, सी का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर हम सी सोर्स फाइल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको सेव कर देंगे, तो ये हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करना है, हमने रन करना है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जीक्यूट पे जाएंगे और इसको कंपाइल करेंगे। अब कंपाइल क्या, अगर हम कंपाइल जब हम करते हैं तो अगर इसमें कोई एरर होगा तो वो हमें शो हो जाएगा। अब हम जब इसको कंपाइल किया तो इसमें कोई भी एरर शो नहीं हो रहा, यहाँ पर एरो जीरो वार्निंग, तो मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कंपाइल करने के बाद इसको रन करेंगे। तो जब हमने इसको रन किया तो हमने यहाँ पर क्या करना था, हेलो प्रिंट करना था, और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पे हेलो प्रिंट होके आ गया। तो ये था हमारा प्रोग्राम हेलो प्रिंट करने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.